टाइगर अकादमी ऑफ मार्शल आर्ट के बच्चों ने नशे के खिलाफ रैली निकालकर नशा तस्करों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अकादमी के संचालक अंतर्राष्ट्रीय कोच मास्टर दिनेश कुमार ने बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने आत्मरक्षा के लिए ताई कमांडो प्रशिक्षण को बहुत ही उपयोगी बताया। इस दौरान डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा भी उपस्थित रहे। उन्होंने नशे के खिलाफ बच्चों को जागरूक किया और खेलों में रुचि लेने का आह्वान किया। इस दौरान हमीरपुर बाजार में रैली निकाली गई। सामाजिक संस्था यस हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश स्कूली अंडर 17 एथलेटिक्स टीम को राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए रवाना होने के अवसर पर टीम को ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया और युवाओं को नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करने की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में खेलों में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व कर चुके नरेंद्र अत्री विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने ड्रग्स नहीं दूध चाहिए, देश का युवा मजबूत चाहिए नारे को भी बुलंद कर शपथ ग्रहण की। इस मौके पर सामाजिक संस्था यस हिमाचल के खेलकूद विभाग के प्रदेश संयोजक नरेश राणा, स्कूली टीम के कोच विक्रम वीर भगत, परवीन पठानिया, सुरजीत ठाकुर, सरिता रंजनी कुमारी मौजूद रहे। वहीं स्कूल टीम के खिलाड़ियों ने यस हिमाचल का ट्रैक सूट देने के लिए धन्यवाद किया। नरेंद्र अत्री ने चैंपियन धावक धाविकाओं को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि वे राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में तो शानदार प्रदर्शन कर अपने माता पिता स्कूल एवं प्रदेश का नाम रोशन करने के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी मजबूती के साथ खड़े होकर समाज व देश के प्रति जिम्मेदार भूमिका निभाएंगे। उन्होंने सामाजिक संस्था यूथ एम्पावरमेंट सोशल सर्विस यस हिमाचल प्रदेश के प्रयास एवं युवाओं को प्रोत्साहन की प्रशंसा की और आशा व्यक्त की कि संस्था समाज में बढ़ रही नशे जैसी कुरीतियों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रखेगी। गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम हमीरपुर डॉक्टर चिरंजी लाल चौहान ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से किया गया। इसके बाद गुरुकुल पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट ने पंजाबी गिद्दा पहाड़ी नाटी राजस्थानी लोक गीतों के जरिए डीजे की धुनों पर खूब धमाल मचाई। छात्रों ने एक से एक बढ़कर प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हर कोई छात्रों के इन लम्हों को अपने मोबाइल फोन में कैद करता दिखा। यही नहीं, कई अभिभावक तो अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर भाव विभोर हो गए। छात्रों की बेहतर प्रस्तुति का अनुभव दर्शकों की तालियों से लगाया जा सकता था। मुख्य अतिथि चिरंजी लाल चौहान ने मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए। मुख्य अतिथि ने प्रेरक एवं उत्साहवर्धक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए स्टूडेंट को लगन, ईमानदारी एवं कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर अपना मुकाम हासिल करने की नसीहत दी। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल रविंद्र पुरी एवं उपप्राचार्य सुरेंद्र ठाकुर ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई दी और जीवन में हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।